नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। मार्केट तो फ्लैट ही है भाई, जैसे था, और क्योंकि डाउ जोन्स में कल वहाँ पे छुट्टी थी तो कुछ खास ज़्यादा ऊपर नीचे शायद ना खुलता हुआ दिखे, मार्केट हमें फ्लैट ही खुलता हुआ दिखे। तो 1900 के आसपास चिपक गया था कल की डेट में, और प्रीमियम मीटिंग का जो क्या कहते हैं नज़ारा है, मार्केट ने कल पूरा टिपिकल एक्सपायरी एक दिखाई हमको, ठीक है, एक टिपिकल एक्सपायरी हमको कल मार्केट ने दिखाई। ना तो कॉल वालों का पैसा बना, ना पुट वालों का पैसा बना। हाँ, जो राइट करके बैठा था उनका पैसा जरूर बन गया है। तो राइटर के आ रखे हैं मज़े, ठीक है। तो चलिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपायरी वाला जो वीक है इसके अंदर मूव आना चाहिए, इसके अंदर मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्रीमियम मीटिंग का खेला चल रहा है, अब इससे बचा कैसे जाए। तो ऊपर की तरफ तो दोस्तों अब ये 870 875 का जो लेवल है, 875 का जो लेवल है, इसको टच करके कल इसने एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। तो ये हाई, सिंपल सी बात है, अब जब तक ना कटे बाइंग की पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाइंग की पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, इंट्राडे में भी बाइंग की पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। अब नीचे की तरफ जो ये लेवल है 19,765, ठीक है, 19,765 जो सेफ प्लेयर है, ये टूटता है तो सेल करिए। अदरवाइज अगर आप थोड़े से एग्रेसिव रहना चाहते हैं तो सेल की गाड़ी में बैठे रहिए, इसको ऐसे लगा के 875 को ऐसे लगा के, ठीक है। बट उसमें जो एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी भी नहीं, वो दिसंबर की कोई एक्सपायरी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पता कि कोई एक और कैंडल ऐसी क्लोज हो जाए, नहीं तो 765 को टूटने दीजिए। 765 उसके नीचे अगर मार्केट सरकता है तो शॉर्ट की गाड़ी में आप बैठ जाइए, ठीक है। एंड जो ब्रेकडाउन का लेवल है, निफ्टी का जो ब्रेकडाउन का लेवल है वो है 675, क्या है 675, उस पर नज़र रखिएगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी, थोड़ा सा वीकनेस लग रही है बट मार्केट है, मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। 875 काट जाएगा तो मंडे ट्यूसडे वेंडसडे सब बुलिश कैंडल बनेंगी, बढ़िया 20,100 के लेवल ओपन हो जाएंगे अगर 875 काट देता है तो। उस पर नज़र रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, ऊपर की तरफ 43,800 ये लेवल क्रॉस होता है, तेज़ी करिए। 43,800 लेवल क्रॉस होता है, तेज़ी करिए, बढ़िया तेज़ी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 43,800 नीचे की तरफ 43,500 को तोड़ता है, शॉर्ट मार दीजिए। अब ये अगर 43,500 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करता है, ठीक है, तो शॉर्ट मार दीजिए, बढ़िया तरीके से शॉर्ट मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5,500 पॉइंट का असर लेके जैसे ही 43,500 ब्रेक होता है आपको शॉर्ट कर देना है बैंक निफ्टी को। यही इस बार निफ्टी को, वो तो हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें ले डूबेंगे ना, तो इस बार ये ले डूब जाएगा, इस बार ये निफ्टी को भी बड़े तरीके से ले डूब जाएगा, और आपको 43,300 के नीचे शायद क्लोजिंग भी देखने को मिल जाए इस बार, ठीक है। तो लेवल जो मैंने बोले उनको फोकस रखिएगा, 43,500 के नीचे ट्रेड हो तो शॉर्ट करना है, वहाँ पे अगर आप एग्रेसिव है 875 का एसएल लगा के अभी से बैठ सकते हैं, अदरवाइज वेट कीजिए 765 के ब्रेक होने का। तेजी का लेवल, तेजी भी हो सकती है भाई मार्केट में, कोई कुछ नहीं कह सकता, दुनिया अगर मंदी में बैठेगी तो मार्केट तेज होगा, मार्केट गिरेगा क्यों। तो 875 इज द लेवल फॉर निफ्टी, उसके ऊपर निकले तेजी करिए। 43,800 इज द लेवल फॉर बैंक निफ्टी, इसके ऊपर निकलता है तेजी करिए। यूनिवर्सल एसएल आपको जरूर फॉलो करना है, किसी का भी एसएल 50 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी की पोजीशन में होना ही नहीं चाहिए, किसी का भी एसएल बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए, ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी।